हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे जूलॉजी पेपर टू, इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा क्या है इसका आंसर, अर्नेस्ट हैकल। ओके, टर्म इकोलॉजी किसने दी थी? वो दी थी अर्नेस्ट हैकल ने ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ नेचर, बैलेंस ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, इको सिस्टम आर स्टेबल हार्मोनियस, वॉज चैलेंज बाय, किसने चैलेंज करा था? वो करा था हम, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, जी एवेलिन, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड पियोनरिंग रिसर्च ऑन द इकोलॉजिकल रोल ऑफ प्रेडेटर्स इन प्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिक कैस्केड। जो कॉन्सेप्ट था ट्रॉपिक कैस्केड, सो किसने दिया था? वो दिया था रॉबर्ट पेन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। इसका करेक्ट आंसर है हमारा हॉलिज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी जो है डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिम्स की रिलेशन अदर ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईच डे अ पिवोटल इवेंट फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट टू प्लेस इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स वॉज पॉपुलाइज्ड बाय, इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्हाट इज सिलरी मॉर्टेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मूवमेंट फैसिलिटेड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमेबॉइड मॉर्टेलिटी। एमेबॉइड मॉर्टेलिटी का क्या एग्जाम्पल है? मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व्हाट इज फ्लैगुलर मॉर्टेलिटी। फ्लैगुलर मॉर्टेलिटी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फैसिलिटेड बाय विप लाइक अपेंडेजेस। ओके, नहीं नहीं, ये वाला तो ऊपर वाला हो गया, ये वाला मूवमेंट ऑफ प्लांट टॉवर्ड सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमेबॉइड मॉर्टेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व्हाट इज फ्लैगुलर मॉर्टेलिटी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल डज द साइटोस्केलेटन प्ले इन सेलुलर मोर्टेलिटी। में क्या साइटोस्केलेटन रोल प्ले करता है? इसका आंसर है हमारा सी, ये एक स्कैफोल्ड फॉर मूवमेंट सर्व करता है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीरोपोडियन सेलुलर मोर्टेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोटैक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, बैक्टीरिया मूविंग अवे फॉर अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द बेसल बॉडी इन बैक्टीरियल फ्लैगुलर मोर्टेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ माइट मैटरनल एज इन्फ्लुएंस फिसेंटिटी इन ह्यूमंस। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, पेरेंटल केयर और फिसेंटिटी इन सम स्पीशीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ माइट रिसोर्स अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट फर्टिलिटी इन प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंशियल कर्व से, हम कैसी ग्रो वो कर पाते हैं, ठीक है। कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक, इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंशियल कर्व, हम कौन से टाइप की ग्रोथ रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व से। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, इन एन एक्सपोनेंशियल कर्व ग्रोथ कर्व द पॉपुलेशन इंक्रीज फिक्स परसेंटेज एट एच, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर दैट लीड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो कैरी करता है कैपेसिटी विच इज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। व्हाट शेप डज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एग्जिटिव, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व होता है उसकी कैसी शेप होती है, उसकी एस शेप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रेजुअल सीक्वेंशियल चेंज इन अ कम्युनिटी ओवर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सक्सेशन अकर्स इन एन एरिया दैट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूट बट स्टिल हैज सॉइल, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियोनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन, सी इज द करेक्ट आंसर, लिचनेस। व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, डाइवर्सिटी,
ठीक है. वट इज़ द मेन फैक्टर? मेन फैक्टर क्या है डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोमास? ए इज़ द करेक्ट आंसर. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. विच बायोम इज करेक्टराइज? कौन सा बायोम करेक्टराइज होता है? बाय परमा फॉरेस्ट फ्रॉस्ट एंड लो ग्रोइंग वेजिटेशन. ए इज़ द करेक्ट आंसर. टुंड्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, सनलाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेप्शन ऑफ डेजर्ट प्लांट? बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन? मैक्सिमम पॉपुलेशन का साइज क्या होता है एनवायरमेंट कैन सपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, कैरिंग कैपेसिटी. विच टाइप ऑफ सर्वरशिप कर्व इज करेक्टराइज बाय ह्यूमंस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, टाइप वन. वट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर इन अ कम्युनिटी? बायोटिक फैक्टर का क्या एग्जांपल होगा कम्युनिटी में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, त्रिडा. वट इज़ द रोल ऑफ स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी कॉल्ड? तो स्पीशीज़ का कम्युनिटी में क्या रोल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नीचे, ठीक है. द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ कम्युनिटी इज लिमिटेड प्राइमरीली? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मोस्ट इकोसिस्टम? एनर्जी सोर्स क्या है इकोसिस्टम में? सी इज़ द करेक्ट आंसर, सन. विच टर्म डिस्क्राइब द ग्रेजुअल सिक्वेंशियल चेंज इन कम्युनिटी ओवर टाइम? क्या कौन सी टर्म है जो सिक्वेंशियल चेंज कम्युनिटी ओवर टाइम डिस्क्राइब करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, सक्सेशन. इकोलॉजिकल पिरामिड विच ट्रॉफिक लेवल कंटेन द मोस्ट एनर्जी? प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है. पॉपुलेशन साइज इज दैट इन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी. विच टाइप ऑफ सक्सेशन अकर इन एन एरिया विच सॉइल आफ्टर अ डिस्टर्बेंस? उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है. वट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डिकम्पोजर इन अ कम्युनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक रिसाइकल न्यूट्रिशन. विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पियोनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, लिचेनस, लीचेंस, ठीक है, लाइकेंस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ल्ड वाइड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लॉगिंग. लॉगिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. वट इज़ द कॉमन सोर्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन इन अ हाउस होल्ड यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स फॉर कुकिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. विच इज़ द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लाइट पॉपुलेशन इन अर्बन एनवायरमेंट? क्या सिग्निफिकेंट सोर्स है लाइट पॉल्यूशन का अर्बन एनवायरमेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है मेजर सोर्स थर्मल पॉल्यूशन वाटर बॉडीज की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है. वट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन इन द एनवायरमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट कर रहा है रिलीज ऑफ नाइट्रोस ऑक्साइड इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी. वट इज़ द कॉमन सोर्स ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट इन ग्राउंड वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन का क्या सोर्स है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, पावर लाइंस, ठीक है. वट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट इन इंडस्ट्रियल नेशन? बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रही है डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर? ठीक है, तो इसमें आपको सबको पता ही होगा क्या है, रेफ्रिजरेंट लीक्स, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज? प्राइमरी कॉज क्या है अर्बन एरियाज का पॉल्यूशन की वजह है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशन. विच ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ओके. वॉट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन रिवर एंड लेक? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नोन पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. विच ऑज द वट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने की क्या वजह है? प्राइमरी कॉज क्या है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, सबको पता है ये. तो वट इज़ द यूट्रोफिशिएशन मेनली कॉज बाय? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ओके, एक्सेसिव न्यूट्रिशन इसकी वजह से होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डायरेक्ट इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, सॉइल इरोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मैराइन पॉल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, प्लास्टिक वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी प्रोग्राम लाइक अस्थमा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, पार्टिकल मैटर, PM, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इम्पैक्ट इज एसोसिएटेड विद राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज. वट इज़ द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर हैबिटेट टू न्यू रीजन. हाउ डज क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ द एक्सट्रीम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा
सी बाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्लाइमेट बी इज़ अ करेक्ट आंसर. हाउ कैन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट वाटर क्वालिटी. क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है हमारे वाटर क्वालिटी और इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ को. तो उसका सी इज़ द करेक्ट आंसर. वाटर बोन डिसीज की वजह से इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि पानी ख़राब हो जाता है वेदर की उसकी वजह से, वेदर क्वालिटी की वजह से. हाउ कैन क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलर्जेनिक. करें हमारा सी, ठीक है. राइजिंग सी लेवल, सी लेवल की वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है वो कंट्रीब्यूट करता है इंक्रीज वल्नरेबिलिटी वाटर बोन डिसीज इट कोस्टल एरियाज. ओके, वर्ल्ड इज़ अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी. क्लाइमेट चेंज का जो न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करता है वो इसकी वजह से होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम लीडिंग टू फूड शॉर्टेज का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज कैरिड बाय वेक्टर्स सच एज मॉस्किटोज. क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है मॉस्किटोज की वजह से उससे क्या होता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है. तो ये होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर है सी, बाय ऑल्टरिंग द ज्योग्राफिकल रेंज ऑफ वेक्टर एंड पैथोजन. क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट वाटर फूड सेफ्टी बाय. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंटेमिनेंट ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, रेसिडेंटल हाउस होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स. हैजर्डस वेस्ट इज करेक्टराइज बाय इट्स. इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इथोलॉजिस्ट इज नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन द बिहेवियर इन्वॉल्व इन द वाइल्ड एंड द कंसेप्ट ऑफ द अल्फा वॉल्फ. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर, रूडोल्फ स्कैंचल. ठीक है, विच टर्म रिफर्स टू इनेट बिहेवियर्स दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम इन एन ऑर्गेनिज्म इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स इन एनिमल्स. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, जेनेटिक इनहेरिटेंस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इज इंस्टिंक्ट लाइकली टू अ प्ले ऑफ सिग्निफिकेंट रोल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, वॉट इज द प्रोसेस ऑफ बाई विच ऑर्गेनिज बिकम मोर एडेप्ट टू परफॉर्मिंग अ टास्क थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस. इट इज अ करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ बिहेवियर इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट. बी इज अ करेक्ट आंसर. वॉट इज द रोल डू प्ले इन लर्न बिहेवियर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्न बिहेवियर. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट इज पेयर टू क्रिएट अ लर्न एसोसिएशन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी. तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंट. ओके, तो अपडेट रहें और यूनिट के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए. ये बेसिक क्लियर क्वेश्चन करेंगे आपके, तो आप प्लीज़ इन्हें अच्छे से कर लेना, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं जो आ सकते हैं, आते हैं. ओके, सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट. ओके.